तो आई होप कि आप सभी अच्छे स्वस्थ खुश और मेरी वीडियोस का इंतजार कर रहे होंगे तो यस आई एम बैक अगेन विद अनदर सैटरडे डी आई वाई वीडियो और आज का जो वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है रक्षाबंधन से रिलेटेड यस yes, जैसा कि हम सभी को पता है कि रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास तो ऐसे में मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपकी बहुत सारी शिकायतें दूर हो जाने वाली हैं अगर आपके भी भाई बहन आपसे दूर रहते हैं तो लास्ट फोर इयर्स से मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है क्योंकि वो मुझसे दूर रहता है जॉब करता है असम में एंड मैं हर साल उसे अपने खुद की बनाई हुई राखी और एक पर्सनलाइज गिफ्ट उसे भेजती हूँ जो देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो कमी तो पूरी नहीं होती बट हाँ उसे ये ज़रूर लगता है कि मैं अभी उसे उतना ही प्यार करती हूँ तो इस वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी है आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेक श्योर sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ विदाउट एनी मोर बक बक एंड बकवास लेट्स रोल द वीडियो हेलो 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 तो वीडियो के बाद ऑडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक मिठाई का बॉक्स लिया है जिसकी मेजरमेंट है थर्टीन पॉइंट फाइव बाई टेन पॉइंट फाइव दैन मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड्स लिए हैं जिनकी मेजरमेंट है सेवनटीन बाई ट्वेल्व एंड सेवनटीन बाय फोर एक्चुअली सेवनटीन बाई थर्टीन तो दो कार्ड स्टॉक सेवनटीन बाय थर्टीन के हैं एंड एक सेवनटीन बाय फोर का है यहाँ पे मैंने एक चार्ट पेपर भी लिया है जिसकी मेजरमेंट है थर्टी नाइन सेंटीमीटर बाय ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर जैसा कि आप लोगों को क्लियरली स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा देन मैंने यहाँ कैमल का वाइट ग्लू यूज़ किया है और उसके बाद इसे अच्छे से कार्डबोर्ड पर लगा के और मैं यहाँ पर एक मोटा सा पुरानी शादी के कार्ड से कार्ड स्टॉक कट करूँगी और उससे अपने ग्लू को जो है वो स्प्रेड कर दूँगी स्प्रेड करने का जो फ़ायदा है वो यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा लुक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन आएगा मतलब जगह जगह पे ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे चिपका है कहीं पे छूटा है कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारे क्राफ्ट में पैचिनेस है ना वो चली जाती है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने ग्लू को लगाने के बाद उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें ताकि जो पैचिनेस है वो यहाँ पर आने नहीं पाए फिर इसे सूखने छोड़ देंगे तेन यहाँ चारों कॉर्नरस पे मैं कट लगा रही हूँ एंड आपको कट थोड़ा ध्यान से लगाना है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा पीछे से ही लगाना ज़्यादा कॉर्नर से लगाने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज़ बाद में वो दिखाई देने लगेगा तो बस जब ये कटिंग कंप्लीट हुई तो मैं इस पर ग्लू लगा दूँगी एंड इसे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी तो बस यही सारी तैयारियां चल रही हैं मेरी तो रक्षाबंधन की अगर आपको वीडियो यहाँ पे ज़रा भी लाइक हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड लाइक करें इस वीडियो को देन मैंने यहाँ एक और चार्ट पेपर लिया है थर्टी सेंटीमीटर बाई सेवेंटीन सेंटीमीटर का उसके ऊपर मैं अच्छे से ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इसे भी कार्ड स्टॉक से अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी इस ग्लू को अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कार्ड स्टॉक से जब आप ग्लू स्प्रेड कर देते हो ना तो उससे क्या होता है कि जो पैचेस हैं वो आते नहीं जल्दी एंड जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और फिनिश्ड दिखाई देता है एंड आई सजेस्ट कि जब भी आप एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर चिपका रहे हो तो आप अपनी हाथों की जगह uh, मतलब किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हो या किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो जिससे अगर आपके हाथ में फेविकॉल वगैरह लगा रहता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता है और या किसी तरीके का कोई भी निशान नहीं पड़ता है पेपर पर एंड यहाँ पर ना मैं अपना जो रिबन था उसे प्लेस करना बिल्कुल ही भूल गई थी बट थैंक गॉड कि मेरा जो पेपर था वो अभी इतना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्गली चिपका नहीं था और मैंने बीच में ही से उखाड़ के लगा दिया यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पहले आप रिबन लगा लो उसके बाद ही जो अपना ये चार्ट पेपर है उसे स्टिक करो एंड जैसे मैं यहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं इसी की बात कर रही थी कि आप बहुत ध्यान से कपड़ा यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा पॉलिश और बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड रहेगा देन मैंने यहाँ रेड कलर का एक चार्ट पेपर आई मीन वेलवेट पेपर लिया है और उसके ऊपर जो मैंने यहाँ सबसे पहले आपको मिठाई का डब्बा दिखाया था उसे इसके ऊपर प्लेस करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने चारों तरफ अच्छे से ग्लूइंग कर ली है मतलब ग्लू लगा दिया है ग्लूइंग क्या होता है मुझे पता नहीं खुद भी ऐसे ही अंडस बकती रहती हूँ तो यस उसके बाद थिक कार्ड स्टॉक से उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एंड मेरी गली के कुत्ते भौंक रहे हैं जो आप लोग को आवाज़ में सुनाई देगा तो इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं चारों तरफ इसे प्लेस करना स्टार्ट कर दूंगी यहाँ यू गाइस कैन क्लियरली सी कि मैंने जो पेपर लिया है वो थोड़ा सा चौड़ा भी है एंड बीच में मैंने इस पर एक जोड़ लगा के इसे लंबा किया था मुझे लगा था कि शायद बीच में ये खाली पड़ जाएगा कम पड़ जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं एंड यहाँ पे मैंने कम से कम कट्स लगाए हैं और एक पेपर को इतना चौड़ा लिया है कि वो दोनों साइड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए एंड यू यूगा कैन क्लियरली सी कि कितना सही जोड़ आया है और बस यही करके आप अपनी क्लास फिनिश दे सकते हो तो मैं यहाँ फिर से अपनी वही बात रिपीट करूँगी कि आप जितनी ज़्यादा फिनिशिंग रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर पेपर एक्सेस छोड़ा था ना उसे मैंने कुछ इतना फोल्ड किया है कि वो अंदर की तरफ जाके बैठ जाए एंड देन मैंने यहाँ इसी के साइज़ का एक पेपर लिया है मैं इसकी मेजरमेंट नहीं कर पाई हूँ तो वेलवेट पेपर लिया है और इसे इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगी तो अब आप देख पा रहे होगी कि मैंने इसमें कितने कम कट्स लगाए हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा अब मैं इसके नीचे साइड ग्लू लगाऊंगी और उसे ये जो हमने बुक टाइप का बनाया था उस पर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी और एक हैवी वेट रख दूंगी कुछ भी लाइक डायरी वगैरह जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और यहीं पे मुझे काफ़ी लेट हो गया था एक बज रहे थे तो मैंने इसे नेक्स्ट डे के लिए छोड़ के और मैं सो गई तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपको डब्बे को प्लेस कर देना है ये एकदम बुक जैसा लग गया अब यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा हैवी वेट देने के लिए यहाँ पर डायरी रख रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्लीप तो नेक्स्ट डे में आपका गुड मॉर्निंग है जी एंड यहाँ पे चलिए आगे काम बचा हुआ जो है उसे शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ 15.3 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का एक ग्लिटर शीट लिया है ब्लैक कलर का ही और उसे मैं इसके ऊपर अच्छे से ग्लू कर दूँगी एंड जिसकी वजह से जो पूरा इस कंप्लीट बॉक्स का लुक है ना वो बदल जाएगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा तो इसे यहाँ अच्छे से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ली है जो गोल्डन वाली बीड्स आती है हाफ कट पर्ल्स उनका यूज़ किया है तो कहने को तो हम ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हैं बट मुझे लगता है कि ब्लैक और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन आता है ना वो हर लुक से बेटर आता है एंड इसीलिए मैंने यहाँ रिबन भी गोल्डन कलर का ही यूज़ किया था बाय द वे ये रिबन मैंने ख़रीदा नहीं था मेरे किसी वेडिंग कार्ड में आया था तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया देन मैंने यहाँ फेल्ट शीट ली है अगर आपको फेल्ट शीट नहीं पता है तो आप सिंपल कोई भी कपड़ा भी ले सकते हो और एक थिक कार्ड स्टॉक लिया है सर्कल इसका आप अपने हिसाब से रख लो और इसके सेंटर पे मैं यहाँ एक स्टोन चिपकाने वाली हूँ जो कि मेरे ही किसी कपड़े से निकल के आया था तो कुछ दिनों पहले ना मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था शॉर्ट्स पे जिसपे मैंने तीन चेन्स मंगाई थी पॉल चेन बॉल चेन एंड स्टोन चेन तो मैं उन्हीं से अपनी जो राखी है वो बनाने वाली हूँ तो यहाँ मैं सब चेन्स को इसके अराउंड प्लेस करती जाऊँगी और उसके बाद अच्छी सी मेजरमेंट लेके उन्हें कट कर दूँगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर्ल चेन का यूज़ किया है उसके बाद मैं अभी यहाँ पे बॉल चेन यूज़ कर रही हूँ एंड डोंट वरी अगर आपके पास फेल्ट शीट नहीं है तो आप कोई कपड़ा यूज़ कर लो एंड जो थिक कार्ड स्टॉक है ना वो किसी भी आप पेपर की दख्ती ले सकते हो तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्टोन चेन प्लेस कर रही हूँ एंड जो ये इसका थिक कार्ड स्टॉक है ना वो कुछ और नहीं बल्कि जो मैंने मिठाई का डब्बा यूज़ किया था उसी के ढक्कन का कागज़ है तो बस एंड कुछ दिनों पहले मैंने कुछ कुंदन भी मंगाए थे फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए तो वो कुंदन भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी कुंदन लगते ही ना जैसे लग रहा था इसमें जान आ गई एंड जो एक्सेस पेपर बचा था मैंने उसे ऑफ कैमरा कट कर दिया था वो मैं शूट नहीं कर पाई थी अब अगेन आपको फेल शीट लेनी है और यहाँ पे ये जो मैंने मोतियों वाला जो धागा पिरोया है ना इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है बस मैंने सिंपल रेशम का धागा लेके उसमें मोतियाँ लगा दी हैं आप अपनी मनपसंद की कोई भी मोती लगा सकते हो देन मैंने जो स्टोन से ये अच्छा सा एम्बलिशमेंट तैयार किया है उसके पीछे ग्लू लगा के और देन मैंने धागा रखा है और उसके बाद फेल शीट से इसे कवर कर दिया है और हमारी सुंदर सी राखी रेडी हो गई है मुझे तो पर्सनली देख के इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो अब आ जाते हैं अपने जो बॉक्स है उसके बचे हुए काम पे तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स चिपकाए हैं आर्टिफिशियल आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो लाइक हैप्पी रक्षाबंधन का कोई एम्बलिशमेंट लगा सकते हो या स्टिकर प्लेस कर सकते हो जो आपका मर्जी हो वो आप प्लेस कर दो यहाँ पे सब अच्छा ही लगने वाला है क्योंकि ऑल ओवर मैंने जो कम्प्लीट लुक था वो उसका वैसे ही कम्प्लीट कर दिया था आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो देन मैंने यहाँ एक वेडिंग कार्ड से पतला सा सुंदर सा प्रिंटेड पेपर लिया है एंड यहाँ पे मैं इसी में अपनी जो राखी है उसे सेट करूँगी कुछ इस तरीके से ताकि ये एकदम मार्केट वाली जैसी दिखाई दे अफकोर्स मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा तो एस्थेटिक होना पड़ेगा ना तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुमकुम -कुम और चावल कैसे भरूँ तो मेरी शादी के टाइम ना मुझे कुछ ऐसे कुमकुम -कुम की डिबिया मिली थी तो उन्हीं में से एक पे मैंने यहाँ चावल रख दिया है सिंदूर हटा के और उसके बाद मैंने यहाँ सिंपल एक छोटा सा पॉलीथीन कट किया है और इसके डिब्बा को वापस से लॉक कर दिया है एंड दिखने में एकदम मार्केट जैसा लग रहा था एंड देन मैंने यहाँ अपने भाई के लिए ना कुछ दिनों पहले वॉच खरीदी थी तो उसे भी मैं इसी बॉक्स में रखने वाली हूँ तो चलो पैक करते हैं उसका रक्षाबंधन गेफ पर तो सबसे पहले तो ये चावल देन उसके बाद आ आता है हमारा कुमकुम -कुम। और फिर मैं यहाँ अपनी राखी रखूँगी अफकोर्स स्थेटिक लुक के साथ <laughs> तो देन मैंने यहाँ पे अपनी घड़ी प्लेस कर दी है अच्छे तरीके से और कुछ मुंह मीठा करने के लिए फाइव स्टार्स एंड बस uh, कुछ थर्माकोल्स बॉल रखती हैं ताकि उसे देखने में अच्छा लगे क्योंकि जब ये उड़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसके बाद मैं सिंपली इसे टाई कर दूंगी तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रक्षाबंधन गेफ हेम्पर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ना तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब आई चैनल I I, I I I I I begin to वीडियो तो आज का वीडियो बस यहीं तक था आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मेरी राखी पसंद आई होगी ये गिफ्ट हैपर पसंद आया होगा और ट्रस्ट मी अगर ज़रा भी पसंद आया है तो एक लाइक कर दोगे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड uh, सभी भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन तो मिलते हैं अगले सैटरडे को तब तक के लिए बाय